हुजूर, जब बंदा इज्जत से सर झुका देता है अल्लाह की रहमतें बंदे पे नाजिल होती है। एक रिवायत में आता है जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अभी उसने सजदे में जाना होता है, अभी वो कयाम ही करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के गुनाह जो है इसके बदन से निकाल के एक समत कर दो, ताकि मेरा बंदा इस हालत के अंदर मेरे हुजूर हाजिर हो के वो गुनाहों से पाक और साफ हो। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसके सारे गुनाह उसके बदन से उतार के एक समत रख दी जाए और बंदा मुसल्ले पे सुभान रब्बी अल आला के नगमे अलापता है, रुकू करता है, सजदे करता है, जब सलाम फेर के नमाज खत्म करके दुआ करके जाने लगता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक ये जो गुनाह उतार के एक साइड पे रखे थे ये दोबारा इसको दे दें। अल्लाह फरमाता है जिसकी झोली से गुनाह निकाल लिए थे दोबारा उसकी झोली में नहीं डालें। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत के लफ्ज़ हैं कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है उसके कंधों के ऊपर सारे गुनाह आ जाते हैं और उसके सर के ऊपर गुनाह आ जाते हैं, जब रकू में जाता है तो कंधों वाले गुनाह गिर जाते हैं, और जब बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को खत्म कर देता है और वो बिल्कुल पाक हो जाता है। हजरत सुलेमान फारसी एक दिन एक दरख्त के नीचे खड़े थे, आपने दरख्त की शाख को पकड़ के जुम्बश दी, हरकत दी, मौसम खजां था, दरख्त की शाख के सारे जर्द पत्ते गिर गए। एक सहाबी पास खड़े थे, उन्हें पूछने लगे, उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने दरख्त की शाख को यूं हिलाया क्यों है। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बता दें कि आपने दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है। कहा सुनो फिर, एक दिन मैं और चंद सहाबा हुजूर के साथ जा रहे थे, रस्ते में एक दरख्त आया, उसके नीचे हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस तरह दरख्त की शाख को पकड़ के हिलाया, यूं पत्ते झड़ गए। हम इस मंजर को देखते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फारसी तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने इस दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप बता दें कि आपने क्यों हिलाया है। फरमाया सलमान जिस तरह इस दरख्त की शाख को हिलाया गया और सारे पत्ते झड़ गए, जब कोई बंदा सजदे में सर रखता है नमाज पढ़ता है उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो पाक और साफ हो जाता है। एक दिन फरमाया सहाबा अगर कोई बंदा उसके घर के सामने से नहर गुजरती हो और वो दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर गुसल करे तो बताओ उसके बदन के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगा। अर्ज की नहीं। फरमाया इस तरह जो 5 नमाजें पढ़ता है उसके बदन के ऊपर गुनाहों का मैल नहीं रहता। फरमाया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों का मेराज है, इमादुद्दीन अस्सलात, नमाज दीन का सुतून है, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अतीब बन निसा व जोइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, मनकूहा बीवियां और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। और हुजूर ने यह भी इशारा फरमाया मन तारक सलात मुतअम्मदन फकद काफर, जिसने जान बूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफर ही तो किया, यानी काफरों वाला काम किया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा हाफिज़ु अलस्सलावात वस्सलातुल वुस्ता, इस आयत करीमा के तहत एक औरत मदीने की गलियों में चीख रही है और कहने लगी मुझे हुजूर के दर का पता बताओ, हुजूर की चौखट का पता बतलाया गया, वो हाजिर हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की हुजूर मेरा खामत सफर पे गया हुआ था और मैंने उसकी अदम मौजूदगी के अंदर जना कर लिया, हमल ठहर गया और जो बच्चा पैदा हुआ मैंने मारे शर्म के उस बच्चे को सिरके के मर्तबान में डाल दिया और फिर उसी सिरके से मैं लोगों को फरोख्त करती रही हूं। अब जबकि मेरा जमीर जागा है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, मुझे बताया जाए कि मेरे गुनाह का भी कोई कुफारा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो तूने जना किया है उसकी सजा रजम है क्योंकि तू शादी शुदा है, और जो तूने बच्चे को कत्ल किया है कत्ल की सजा कत्ल है, और जो तूने सिरका बेचा है फकद इर्तकबते कबीरा, तूने कबीरा गुनाह किया है उसकी सजा तो कयामत के दिन पाएगी। उसके बाद हुजूर फरमाया इन तीनों गुनाहों की यह सजा है, लेकिन जिस तरह तू घबराई हुई आई थी मैं तो यह समझाता शायद तेरी नमाज असर कजा हो गई है। अब आप अंदाजा करें कि नमाज की अहमियत क्या है और हम इस बात में कितनी सुस्ती करते हैं। किसी से पूछा जाए ना आओ नमाज पढ़ने चले, वो कहते हैं बस यार मेरे कपड़े पलीद हैं, कपड़े मेरे पाक नहीं हैं। तेरे कपड़े कैसे पाक रह सकते हैं,
तू अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता, तेरे कपड़े भी पलीत है, तेरा दिल भी पलीत है, तू उसके हुजूर झुक के तो देख, तन भी सुथरा कर देगा, तेरी रूह को भी पाके दे देगा, तेरे कलब को भी तहारत बख्श देगा। तो उसके हुजूर आ झुक, उसके हुजूर सजदों से अल्लाह के हुजूर खिराज पेश कर अपनी मोहब्बतों का। जब बंदा सजदे में सर रखता है, अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है, मेरे बंदे को देखो ना, बिलाखिर मेरे हुजूर ही झुका है ना, कितने गुनाह किए इसने, कितने जुर्म किए इसने, लेकिन बिलाखिर मेरे हुजूर आया और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे की मगफरत फरमा दी। तो अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ने वाला, बल्कि एक रिवायत मुस्तन इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है, हुजूर फरमाया जब बंदा नमाज के इरादे के लिए उठता है और वुजू करने के लिए जब पानी का पहला कतरा चुल्लू पे लेता है, जो ही उसके बदन से वुजू का पानी छूता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जिस नमाज के कष्ट के लिए उठें और वुजू करें और पानी छूते ही गुनाह माफ हो जाएं, अगर उस नमाज का आला दर्जा सजदा कर लिया जाए तो फिर मालिक की कितनी रहमतें नाजिल होगी। ये कितनी बड़ी दौलत है, ये कितना बड़ा सरमाया है जिससे हम लोग महरूम रह जाते हैं। आओ अल्लाह की रहमतें सजदे में ढूंढे, सजदे में पेशानी रख के जब हम उसकी रहमत को मांगे तो वो मालिक हमारे ऊपर रहमतें नाजिल करेगा। आज पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों के साथ जो हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं। कोई कहता है कि मुआशी तौर पे मुसलमान कमजोर हैं, इस वजह को भी मैं तस्लीम करता हूँ। मुसलमान के पास आलात हर्ब व ज़र्ब भी मौजूद नहीं है, इस वजह को भी तस्लीम कर लिया जाए। सियासी तौर पे मुसलमान कमजोर हैं, इस वजह को भी तस्लीम कर लिया जाए। ये सारी वजहें अपनी जगह पे, लेकिन ये भी तो सुनो, मुसलमानों की तादाद इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ है। अफरादी कुव्वत इतनी कभी भी मुसलमानों की नहीं हुई थी। इस वक्त मुसलमानों के पास एटमी ताकत मौजूद है, इतनी कुव्वत अस्करी कभी भी मुसलमानों के पास नहीं हुई थी। 56 इस्लामी मुल्क हैं जिनमें कीमती मादनियात से और तेल की दौलत से और सोने की कीमती मादनियात से ये मुसलमान माला माल हैं। क्या कुछ नहीं है जो मुसलमानों के पास ना हो, लेकिन एक दौलत छिन गई मुसलमानों के पास, वो सजदे की आबरू, वो सजदे की इज्जत, वो पेशानी रख के उस रब को पुकारना जो सबसे आला है, जो सबसे बाला है, जिसने मूसा के फिरौन को नील की मौजों में डबो दिया। क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा 1 अरब 40 करोड़ इंसान सजदे में सर रख के सुभान रब्बी अल आला के नगमे आलाप के अपने रब से गुजारिश करें और अपनी उम्मत का रोना रोएं? कश्मीर में लुटती हुई जवानियां और कलकुदस के अंदर बहता हुआ खून, शबरखान से लेकर काबलो किंधार तक और मूसल से लेकर तकरीर तक, मुसलमान के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं, अपने रब के हुजूर उसका दुखड़ा सुनाएं और अपने मालिक को कहें, मेरे मालिक हम लुट गए, हम कट गए, हम पिट गए, असले भी मौजूद, अफरादी कुव्वत भी मौजूद, सियासी ताकतें भी मौजूद, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान दबता चला जा रहा है। उसी कश्ती को है खौफ तलातम सदहैफ, मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के, जो 300 होकर जुर्रत और वो ताकत और वो अजीमत की दास्तानें रकम करते हैं कि मालिक तू भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारता है। आज वो उम्मत बीच मिंजदार के उस उम्मत की कश्ती हचकोले खा रही है। हमारी फरियाद, हमारा इस्तगासा तेरे से है, मेरे मालिक हमारा खोया हुआ वकार बहाल कर दे और इस उम्मत को उस मर्तबा कमाल तक पहुंचा दे जिस मर्तबा कमाल तक ये उम्मत पहले पहुंची थी, और इनका खोया हुआ वकार बहाल कर दिया जाए। आज भी हम अगर सजदों से अपने रब को मना लें और वो रूठा हुआ रब आज भी हमारी मदद के लिए आ जाए, तो फिर कोई कुव्वत कोई ताकत हमें नहीं लताड़ सकती। आइए हम सजदे से अपने मालिक, अपने खालिक और अपने राज़िक के हुजूर अपनी मोहब्बतों और अपनी उल्फतों का खिराज पेश करें। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म कुरान में 750 मरतबा के करीब दिया गया। और एक आखिरी बात अर्ज करके अपने मौजू को समेटना चाहूंगा, मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वक्त आखिर आया तो आखिरी वसीयतें जो हुजूर ने अपनी जिंदगी में की वो क्या थी? दो वसीयतें थी हुजूर की आखिरी, जब हुजूर अय्याम मर्ज में थे और आखिरी वसीयतें, उसके बाद हुजूर ने कोई कलाम नहीं किया, वो यही था अस्सलात 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 अस्सलात। लोगों में तुम्हें नमाज की ताकीद करता हूँ, मैं नमाज की ताकीद करता हूँ। और दूसरा फरमाया जो तुम्हारी मिल्क में तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी लोंडियां हैं उनके साथ उसने सुलूक की ताकीद करता हूँ। ये आखिरी दो बातें थी जो हुजूर ने इरशाद की, हुकूकुल्ला के हवाले से नमाज और हुकूकुल इबाद के हवाले से हुजूर ने कमजोरों के हक उन तक पहुंचाने की ताकीद उम्मत को दी।
और उसके बाद फिर हुजूर इंतकाल कर गए। आइए हम सजदों से अपने रब को राजी रखें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल अता फरमाए।